विनयकांत भल्ला सर, जो कि हैं फिजिक्स टीचर। तो फिजिक्स में तो बेस्ट मैं ही हूँ, सबको पता ही है। तो मतलब ठीक है, भल्ला सर इनको तो बुलाएंगे भी नहीं फिजिक्स में, तो है ना, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरे साइड में खड़े सोच रहे हैं ऐसे ही कट जाएगा क्या आज। तो 6 years of teaching experience, ex professor and academic head of a very reputed institute, mentored many students who scored 100 percentile in previous year JEE mains 2020. सर की फिजिक्स पढ़ाने के में एक अलग ही, आप क्या बोल सकते हो, बड़ा बड़ा गंदा है बट नशा है एक्चुअली। मतलब मैंने इनके वीडियोस देखे तो मुझे लगा फिजिक्स पढ़ाने में एक नशा है। यू विल बी वेरी शॉक टू नो कि सर इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ योर आदित्य सर। So let's give a big round of applause for Vinaykant Bhalla sir. Hello sir, good evening. Good evening sir, कैसे हैं आप? सर हम बढ़िया हैं। ये बताओ सर, आप अभी लाइव के पहले थोड़ी देर पहले सलून क्यों गए थे? पर्सनल इश्यूज। बट सर आपने ना पहले मुझे डरा दिया था सच में। सर फिजिक्स में थोड़ा देखना पड़ता है ना, तो इसलिए थोड़ा करना पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा अभी। सर मेरा आपसे ये पूछना है कि why you chose physics? क्योंकि आप फिजिक्स एडुकेटर, तो मतलब मैंने क्यों चूज किया मुझे पता है। व्हाई यू चोज फिजिक्स एंड व्हाई यू चोज टीचिंग बोथ? तो द थिंग इज कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे देखने को मिलती है, दोज आर स्टार्स एंड द थिंग्स दैट हैपन्स अराउंड अस। तो केमिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं दिखा मुझे, मैथ्स में ऐसा कभी नहीं दिखा, लेकिन जब से मैं 11th में आया मेरे टीचर्स ने मुझे दिखाना शुरू किया कि एक्चुअली लाइफ में हो क्या रहा है। सर मैं चंडीगढ़ में पढ़ता था। अच्छा, चंडीगढ़। और वहाँ पे जब 12th में था मैं, तो टीचर्स वर एक्चुअली शोड मी कि एक्चुअल लाइफ में फिजिक्स कैसे अप्लाई हो रही है, एंड वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बना। देन इंजीनियरिंग में, ऑल्दो मैं इतना अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाया। ओ सो इसका भी एक स्टोरी है। सो तो उस टाइम पे मुझे मेरे टीचर्स ने बताया, दिखाया, एंड दैट फैसिनेटेड मी अलॉट। और जब मैं इंजीनियरिंग में आया, वहाँ पे मुझे और ज़्यादा देखने को मिला चीज़ें कि एक्चुअल में क्या चल रहा है लाइफ में, हाउ यू कैन रिलेटेड टू मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। और वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड टीचिंग फिजिक्स। ओके ओके सर। और सर ये भल्लाल देव वाली स्टोरी? नो कमेंट। सर चलो आप फिजिक्स में ही हो तो फिजिक्स में आपसे बात करते हैं। आपको कौन सा यूनिट सबसे बढ़िया लगता है? मतलब सर मैं मैं फिजिक्स वाला में आया हूँ, मैं टॉपिक वाला में नहीं आया। लाइन चार ने मार दी, बहुत तगड़ी है, तो बहुत ही तगड़ी लाइन मार दी सर ने ये। सर कैन यू टेल अस अबाउट योर होल जर्नी ऑफ टीचिंग अप टिल नाउ, एंड ऑनलाइन क्या आप पहले भी थे या इट्स अ फर्स्ट ऑनलाइन एक्सपीरियंस? मतलब मेरे को तो पता है, बच्चों के लिए। हाँ श्योर। एक्चुअली मैं ऑनलाइन बहुत ज़्यादा नहीं आया हूँ, मेरा जो रीच है ऑनलाइन में कभी नहीं थी, एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू ट्राई कि ऑनलाइन कैसा रहता है, एंड फिजिक्स वाला इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आई नेवर थॉट कि मैं यहाँ पर आऊँगा, टू बी फ्रैंक। थैंक यू एक्चुअली, बट इट इज गोइंग टू बी नाइस फॉर मी, आई नो। और मैं चाहता हूँ देखना कि कैसे हम लोग बहुत सारे बच्चों को एक ही साथ, और इतना मतलब क्वालिटी जो मैं देना चाहता हूँ वो कैसे एक साथ पूरे इंडिया में फैला सकते हैं। सर वी नीड पीपल लाइक यू हियर, वी नीड, वी रियली नीड पीपल लाइक यू हियर, एंड आई एम सो प्राउड टू हैव यू हियर सर, एंड दिस इज आई एम स्पीकिंग बाय हार्ट। मतलब वी नीड पीपल लाइक यू हियर, हम लोग को यही तो चाहिए बच्चों, इंडिया के अच्छे से अच्छे टीचर हमारे बीच पे आए, फ्री में पढ़ाए, सस्ते से सस्ती एजुकेशन दें, और हम सबको मजा भी आए। सो दैट्स भल्ला सर फॉर यू। और सर आपका निकनेम क्या बनने वाला है? दैट आई वोंट कमेंट। मैं बता देता हूं, यू गाइस कैन कॉल मी VKB, ओके, नथिंग एल्स। ओके सर, इट्स VKB सर एंड नथिंग एल्स, यू शुड रिमेंबर दैट। सो दैट्स विक्रांत, सॉरी विनयकांत, वेरी सॉरी विनयकांत। एक्चुअली क्या है, मैं तुमको सच बता देता हूँ, ऑफिस में और एवरीवन कॉल्स हिम भल्ला सर, भल्ला सर। सो दैट्स वी आर यूज्ड टू।